हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि डेली ही आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आज भी हमारे कुछ ऐसे ही शानदार क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कुछ प्रीवियस पूछे हुए हैं एंड कुछ नए क्वेश्चन होंगे। लेकिन आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के बैठना है, स्मार्ट स्टडी को फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सही मायने में जो पढ़ाई होती है वह तभी सक्सेसफुल होती है जब आप कुछ फैक्ट को याद करते हैं, ठीक है, और उन फैक्ट को तब तक आप रिपीट करते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं जब तक कि आपको वो याद नहीं हो जाते, ठीक है। भेड़ की चाल चलने से अच्छा है कि सिंह की दहाड़ अच्छी हो जो कि काफी लॉन्ग टाइम तक असर करे आपके ऊपर। तो एक क्वेश्चन को याद करने में 5 मिनट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार उसको पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो उससे कोई फायदा नहीं है। आराम से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन से करते हैं शुरू। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा क्योंकि पढ़ाई भी मायने रखती है। जब आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तभी तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रहता है। तो क्लास में जब आप लोग को समझाया जा रहा है अच्छे से तब भी आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर रहना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में यह मनाया जाता है, यह आप लोगों को यहाँ पे आंसर करके बताना है। किस राज्य में यह आपका मनाया जाता है, ठीक है, किस राज्य में यह आपका मनाया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह भाई आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में यह आपका मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड की बात करते हैं, सो कोहिमा क्या है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। और आर एन रवि क्या है? आर एन रवि है यहाँ पर गवर्नर, ठीक है। और नाय पियोराव जो की है वह यहाँ पर मुख्यमंत्री है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और हॉर्नबिल महोत्सव नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है जो कि अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। इसके साथ ही अभी लास्ट टाइम जो यह मनाया गया था वह है आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया गया था, त्रिपुरा राज्य में मनाया गया था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के अलावा किस और राज्य में मनाया गया था, तो यह त्रिपुरा राज्य में मनाया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बाडोछम इज अ फोक डांस फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। बाडोछम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, यह आप लोगों ने बताना है। यह किस राज्य के लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। किसके रूप में यह आपका यहाँ पर जाना जाता है, किसके रूप में यह आपका यहाँ पर जाना जाता है। चलिए हाँ बिल्कुल सही, किसके? अरुणाचल प्रदेश के। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के, है ना, अरुणाचल प्रदेश राज्य से यह संबंधित है, कौन सा आपका? बाडोछम नृत्य, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ईटानगर क्या है? ईटानगर है इसकी कैपिटल। और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हमारे भारत में एंटर करती है ना, वह आपका नामचा बरवा पर्वत से एंटर करती है। नामचा बरवा पर्वत से एंटर करती है जो कि आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह सब चीजें आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही हमारे भारत का सबसे बड़ा तवांग मठ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से यह आपका संबंधित है। तो ये सब चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, क्लियर है, जो कि अक्सर आप लोगों से यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है भाई, याद रहेगा ना। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे
यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर की बात करते हैं तो बी डी मिश्रा यहाँ पर गवर्नर हैं और प्रेमा खांडू यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग जरा मुख्यमंत्री और जो कि गवर्नर होते हैं उन पर जरा ध्यान रखा करो, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इनको याद किया करो कि मुख्यमंत्री कौन सा किस राज्य का है या फिर कौन सा राज्यपाल किस राज्य का है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग चरण किस देश में स्थित है। फ्लोटिंग चरण किस देश में स्थित है यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है, किस देश में यहाँ पर स्थित है सबसे बड़ा फ्लोटिंग चरण। ठीक है, जिसका यूज जो है मेन तौर पर फुटबॉल खेलने के लिए किया जाएगा, जिसका यूज मेन तौर पर फुटबॉल खेलने के लिए किया जाएगा। सो इसका आंसर क्या होगा, सिंगापुर। क्या होगा, सिंगापुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग चरण यह आपका सिंगापुर में बनाया गया है, जैसे कि आप लोग को फोटो में दिखाई भी पड़ रहा होगा। ये है यहाँ पर आने का रास्ता, चारों तरफ से है यह पानी से यहाँ पर घिरा हुआ है ना, और यहाँ पर ऑडियंस आपकी बैठती है जो कि मैच का लुत्फ उठाती है ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए अगर मैं सिंगापुर की बात करती हूँ तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वह है सिंगापुर सिटी ही है। ठीक है, सिंगापुर की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो सिंगापुर सिटी ही क्या है, इसकी राजधानी है। और डॉलर क्या चलती है यहाँ पर, करेंसी चलती है। डॉलर क्या चलती है यहाँ पर, करेंसी चलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह को अपनी तरह का एक ग्रह कहा जाता है। ए प्लानेट ऑन इट्स साइड, मतलब कि अपनी तरह का ही एक यूनिक प्लानेट किसको यहाँ पर बोला जाता है यह आप लोगों को बताना है। किसको बोला जाता है कि यह अपनी ही तरह का क्या है, एक प्लानेट है। इन चारों में से बताएंगे यह कौन सा है, मतलब अपनी तरह का होता है ना, कि अपने आप में ही है, यूनिक ही है, होता है ना कि इसका समझ ही नहीं आ रहा, ये तो अपने आप में ही है। तो बिल्कुल वही चीज है कि यह क्या है, अपने आप में ही है, यूनिक ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो वह कौन सा होगा, यह होगा यूरेनस। कौन सा होगा, यह होगा यूरेनस। यूरेनस की अगर हम बात करते हैं तो यूरेनस जाना जाता है लेटे हुए ग्रह के रूप में, लेटे हुए ग्रह के रूप में यह आपका जाना जाता है। ठीक है, यह नॉर्थ टू साउथ क्या करता है, रोल करता है। क्या करता है, रोल यह करता है। ठीक है, क्या करता है, यह रोल करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं शुक्र के बारे में तो सभी ग्रह आपके घूमते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ, लेकिन वह पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। लेकिन अगर मैं यूरेनस की बात करूं तो यह नॉर्थ टू साउथ क्या करता है, रोल करता है। ठीक है, आपने कभी देखा है सड़कों पर जो रोलर होता है वह सड़कों को इक्वल करता हुआ चलता है, रोलर घूमते हुए, तो बिल्कुल उसी तरह से यह है, इस तरह से लोटपोट होकर के घूमता है। ठीक है, तो यह क्या हुआ आपका, आंसर हुआ यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा आगे कि यहाँ पे मात्रा द्वारा पृथ्वी की पपड़ी का कितना प्रतिशत तल छड़ी चट्टानों से बना हुआ है ना। हमारी पृथ्वी का कितना एरिया जो कि है भाई, वह तल छड़ी चट्टानों से यहाँ पर बना हुआ है। तल छड़ी चट्टानों से कितना एरिया यहाँ पर बना हुआ है यह आप लोग बताएंगे आंसर करके जल्दी से। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा, 8% कितना प्रतिशत है, 8% जो कि है भाई यह है यहाँ पर बना हुआ है। सो आंसर क्या होगा आपका, 8% यहाँ पर जो कि है आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे गुजरात के मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसे गुजरात के मुस्लिम राज्य का संस्थापक यहाँ पर माना जाता है यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है, किसको माना जाता है बताओ। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर मैं गुजरात की बात करती हूँ तो आचार्य देवव्रत क्या है यहाँ पर गवर्नर है, और यहाँ पे अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की
अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो कौन है यहाँ पर, विजय रूपाणी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में इकलौते यहाँ पर गिर नेशनल पार्क में क्या पाए जाते हैं, एशियाई लोयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एशियाई लोयन, जो कि सिंह हम इनको बोलेंगे हिंदी में, सिंह यहाँ पर पाए जाते हैं। सिंह यहाँ पर, सिंह नहीं सिंह, सिंह यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि लोयन पाए जाते हैं। और गुजरात में ही सबसे बड़ी स्टेडियम है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, ठीक है। और गुजरात की ही अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में ही वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति जो कि कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वह यहाँ पर बनी हुई है। इस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में अगर हम लोग बात करते हैं तो गुजरात में, गुजरात में अहमदाबाद, जिसे कि भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है, यह साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए खैर बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करती हूँ तो आंसर क्या होगा, जफर खान। क्या होगा, जफर खान यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जफर खान मुजफ्फर शाह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, मुजफ्फर शाह फर्स्ट के नाम से भी यह आपका जाना जाता है। सो आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। द फेमस त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति सदाशिव इज द पार्ट ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग केव्स इन इंडिया। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव भारत में निम्नलिखित गुफाओं में से किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है यह आप लोगों को बताना है, यह किन गुफाओं का हिस्सा है, यह किन गुफाओं का हिस्सा है, यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है, किसका हिस्सा है बताना है, किसका यह आपका हिस्सा है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की बाग, ठीक है। चलिए त्रिमूर्ति इट मीन्स तीन सिर वाले भगवान जी का सिर यहाँ पर दिखाई पड़ता है, मतलब भगवान शिव जी की यहाँ पर मूर्ति है जिसमें भगवान शिव जी के तीन सर को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह है हमें एलिफेंटा केव्स में दिखाई पड़ती है, कहाँ पर, एलिफेंटा केव्स में हमें दिखाई पड़ती है। अब अगर हम एलिफेंटा केव्स की बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो भाई ये है मुंबई में, ठीक है, मुंबई से सिर्फ थोड़ी सी ही दूरी पर है ये, है ना। और इन्हें हमारे भारत की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया हुआ है ना। दूसरी चीजें अगर मैं इनकी बात करती हूँ एलिफेंटा केव्स के बारे में, एलिफेंटा केव्स के बारे में, तो इन्हें राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया है, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनको बनवाया गया है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए बाकी के भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन जिनसे अक्सर आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं अजंता केव्स की बात करती हूँ तो 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, जैन धर्म से संबंधित है ना, और कहाँ पर है यह, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगर मैं एलोरा केव्स की बात करती हूँ, इन्हें भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह है आपके धर्म की अगर बात की जाए तो यह है हिंदू धर्म, ठीक है, प्लस जैन धर्म, ठीक है, प्लस बौद्ध धर्म, तीनों ही धर्मों से यह संबंधित है। और इसकी भी लोकेशन कहाँ है, इसकी भी लोकेशन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों आप लोग याद रखोगे। चलिए फिर बढ़ जाते हैं तो आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज वाज हेल्ड इन विच ईयर। भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव किस वर्ष आयोजित किया गया था, किस वर्ष यहां पर आयोजित किया गया था, किस वर्ष यहां पर आयोजित किया गया था, है ना। लोकसभा और राज्यसभा की सभी विधानसभाओं के लिए जो कि यहां पर चुनाव किए गए थे, जो कि व्यस्त मताधिकार के बिहाफ पर यहाँ पर किए गए थे, है ना, यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर यहाँ पर किए गए थे, तो वह किस वर्ष यहाँ पर किए गए थे, तो ध्यान रखना 1952 में, ठीक है, कब, 1952 में यहाँ पर आप लोगों का
सही आंसर होगा, ठीक है। 1952 में क्या होगा, आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, रेल बजट किस वर्ष में आम बजट से अलग किया गया? रेल बजट जो कि है, जो कि अभी कुछ समय पहले ही दोबारा से इसको मर्ज कर दिया गया है, तो एक्चुअल में यह है आपका कब, कब जो कि है आम बजट से अलग किया गया था, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वह था कि अगर आप एक साथ मर्ज करते हैं बजट को, तो उससे क्या होता है कि ना तो पूरा सरकार जो कि राज्य है, केंद्र सरकार है, वह पूरा खर्च कर पाती है, और ना ही रेलवे के ऊपर प्रॉपर खर्च हो पाता है। तो अगर बजट अलग कर दिया जाए तो रेलवे के ऊपर अलग से सेपरेट में खर्चा किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या होगा, किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल सही, 1924 में, है ना, 1924 में। अच्छा ये बताइए, हमारे भारत में फर्स्ट रेल कब चली थी? फर्स्ट रेल भारत में कब चली थी, है ना, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चली थी। भारत में फर्स्ट रेल यहाँ पर कब चली थी, यह आप लोगों ने बताना है। कब चली थी भारत में फर्स्ट ट्रेन, कब चली थी भारत में फर्स्ट ट्रेन? बताओ जल्दी। ओके चलिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ट्रेन की बात करते हैं, तो यह है आपकी 16 अप्रैल, 16 अप्रैल आपकी 1853 में चली थी, है ना, जो कि एक पैसेंजर, जो कि कैसी थी, एक पैसेंजर ट्रेन थी, है ना, मतलब कि यात्रियों को ले जाने वाली एक क्या थी, एक ट्रेन थी। यह आपकी बोरी, बोरी नाम की जगह जो कि कहाँ पर है आपका, बॉम्बे में, मतलब उस टाइम पे बॉम्बे कहा जाता था, बॉम्बे में, एंड इससे थोड़ी सी ही दूरी पर ठाणे, है ना, ठाणे के बीच में यह है चली थी, और इनके बीच में जो इसने डिस्टेंस कवर करी थी वह 34 किलोमीटर की कवर की थी। कितने किलोमीटर की? 34 किलोमीटर की इसने डिस्टेंस यहाँ पर कवर की थी। सो आंसर क्या होगा आप लोग का, आंसर हो जाएगा 1924 में, और फर्स्ट ट्रेन जो भारत में चलाई गई थी वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। 13वीं शताब्दी के कवि संत ज्ञानदेव द्वारा मोक्षपट नामक एक खेल बनाया गया था, यह आज के निम्नलिखित खेलों में से किसका मूल संस्करण है? ठीक है, बताएंगे। वैसे तो देख करके, फोटो में देख करके आप लोग समझ सकते हो कि यह आज के किस खेल के रूप में यहाँ पर जाना जाएगा, किस खेल के रूप में यह आज के में जाना जाएगा। बिल्कुल सही दिख रहा है ना, यह आपका किसके द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखना, संत ज्ञान देव के द्वारा। अगर पूछा जाए ना कि सांप सीढ़ी, जो कि अक्सर हम लोगों ने बचपन में खेली है सांप सीढ़ी, ठीक है, अक्सर मेरे साथ में बहुत हुआ है, जब यहाँ पे पहुंच जाते थे 99 पे, तभी वो सांप डसता था और तुरंत मैं नीचे आ जाती थी और वो जानी दुश्मन मेरा रहा है, मतलब अपना बचपन याद आ जाता है। सो सांप सीढ़ी का खेल हम सभी ने यहाँ पे खेला हुआ है, और यह है आपका स्नैक्स एंड लीडर्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत संत ज्ञान देव ने मोक्ष पट के रूप में यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बारे में, क्वेश्चन ही आपका पूछा हुआ है एसएससी के अंदर ही। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो की है यह आपका किससे संबंधित है, यह आप लोगों ने यहाँ पे बताना है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। यह आपका किससे यहाँ पर संबंधित है, किससे यहाँ पर संबंधित है, किससे यहाँ पर संबंधित है? बिल्कुल सही, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह है गोल्फ से संबंधित है ना, गोल्फ से संबंधित है, जिसमें कि दो तीन चार, है ना, खिलाड़ी क्या हो सकते हैं यहाँ पे आपका, खेल सकते हैं खिलाड़ी, यहाँ पर खेल सकते हैं आपका तीन चार, है ना, दो तीन चार खेल सकते हैं, गोल्फ से यह आपका संबंधित है। और गोल्फ किस तरह के क्षेत्र पर खेला जाता है, इसे कोर्स कहा जाता है, खेल के मैदान को, है ना, खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, जिस खेल के मैदान पर गोल्फ खेला जाता है इसे कोर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, कोर्स यहाँ पर कहा जाता है। तो ये चीजें भी ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आगे। विश्व मलेरिया दिवस प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन किस तारीख को यहाँ पर
मनाया जाता है? किस दिन यहाँ पर मनाया जाता है यह आप लोग बताएंगे, किस दिन यह है मनाया जाता है, ठीक है, बताओ जल्दी से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह आपका मनाया जाता है और कब? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को यह आपका मनाया जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब मनाया जाता है आपका? 25 अप्रैल को यह आपका यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है, 25 अप्रैल को यह आपका मनाया जाता है, ठीक है। और अप्रैल में ही 29 अप्रैल को, अप्रैल में ही 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे यहाँ पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। अच्छा, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, क्या बता सकते हैं कि पंचायत दिवस कब यहाँ पर मनाया जाता है? पंचायत डे आपका मतलब दिवस जो कि है भाई, यह आपका कब मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल सही, 24 को। कब? पंचायत दिवस आपका मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है क्या? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस यह आपका मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस यह आपका मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। चलिए खैर, क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में हमारे भारत की रैंक यहाँ पर क्या है, ठीक है, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के अंदर, है ना, जो कि किसके द्वारा जारी की जा रही है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जा रही है, ठीक है। रैंक तो आप लोग याद रखते ही हो, साथ ही ये भी ध्यान रखा करो कि वह रैंक एक्चुअल में जारी किसके द्वारा की जाती है, क्योंकि ये चीजें भी पूछी जाती हैं कि भाई ये जो रैंक है वह किसके द्वारा जारी हो रही है, ठीक है। तो इन चीजों को भी अच्छे से आप लोग यहाँ पर किया करो। चलो बताओ जल्दी से, भारत की रैंक यहाँ पर क्या है, बताओ। इसमें अगर मैं टॉप पर बात करती हूँ तो टॉप पर है इस रैंक में कौन? डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर है और टोटल टोटल 82 देशों में, टोटल 82 कंट्रीज में, टोटल 82 कंट्रीज में यह रैंक आपकी निकाली गई है, जिसमें कि हमारे भारत की 76 रैंक यहाँ पर आई है। क्या है? अभी हाल फिलहाल में हमारे भारत की जो रैंक है वह 76 यहाँ पर हमारे भारत की रैंक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा जरा। आंसर करो भाई आप लोग। चलिए क्वेश्चन है दी बंगाल गैजेट समाचार पत्र 1879 में निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से किसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया था? दी बंगाले, बंगाल गैजेट नहीं है, और सॉरी भाई यहाँ पे दी बंगाले ही न्यूज़पेपर है, दी बंगाले भी नहीं है बल्कि बंगाली होगा, बंगाली, ठीक है, बंगाली न्यूज़पेपर होगा, बंगाली न्यूज़पेपर। और बंगाली न्यूज़पेपर आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा, इनके साथ में ही ध्यान रखेंगे यहाँ पे उद्दंड, नहीं नहीं रुको, उद्दंड यही एक दिक्कत करता है, सही है, उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड है ना। इसकी अगर बात करते हैं तो पहला, हमारे भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर रहा है, हमारे भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर भाई यह है यहाँ पर रहा है ना। और दी बंगाल गैजेट है ना, दी बंगाल गैजेट, दी बंगाल गैजेट की बात करते हैं जो कि है ना, जो कि निक्की हिटकेटस के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था, यह हमारे भारत का पहला न्यूज़पेपर था। कैसा था? यह हमारे भारत का पहला न्यूज़पेपर था, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग, आगे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि चीन और भारत में वित्तीय वास्तुकला
और आर्थिक विकास के लेखक कौन है? हमारे भारत में, चीन और भारत में वित्तीय वास्तुकला और आर्थिक विकास के लेखक के रूप में यहाँ पर कौन जाने जाते हैं? कौन यहाँ पर जाने जाते हैं? सो सुब्रमण्यम स्वामी कौन जाने जाते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पर जाने जाते हैं। तो सी ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा, सी ऑप्शन क्या है, सही आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर कि द सिटी ऑफ नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, तापी या फिर महानदी? बताओ, नासिक जो कि भाई किसका है? महाराष्ट्र का शहर है। और ये पॉइंट तो आपका एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो गोदावरी। इसके साथ ही गोदावरी नदी के बारे में पूछा गया था कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है ना, जिसे कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और वृद गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? सो आंसर क्या होगा यहाँ पे? गोदावरी नदी यहाँ पर आपका सही आंसर जो की है भाई वह होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़े हम लोग आगे की ओर, बढ़ते हैं आगे की ओर। ये कुछ आपको दिखाया गया है मैप में कि यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी और गिर जाती है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में यह आपकी गिर जाती है। ठीक है, गिर जाती है, क्लियर है? चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कि डैम और उनकी संबंधित नदी के निम्नलिखित मैचों में से कौन सा यहाँ पर सही है? कौन सा सही है यह बताना है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, मुझे लग रहा है ना कि इसमें ना नहीं होना चाहिए। डैम और उनके संबंधित नदी के निम्नलिखित मैचों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे नॉट मिस है। क्या मिस है यहाँ पे? नॉट मिस है, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए थे। मैं इसीलिए क्वेश्चन को देख रही थी कि इसमें भाई करेक्ट थोड़ी ना, इनकरेक्ट पूछना चाहिए, आर नॉट करेक्ट पूछना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मेथन डैम की बात करती हूँ तो मेथन डैम जो कि है यह आपका स्वर्ण रेखा नदी पर नहीं बना हुआ, बल्कि बराकर नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? बराकर नदी पर बना हुआ है ना। कहाँ पर इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह आपका बराकर रिवर पर बना हुआ है। तो आंसर यहाँ पर जो सही तरह से नहीं दिया हुआ था वह आपका फोर्थ ऑप्शन था। कौन सा था? चौथा यहाँ पर ऑप्शन था। और क्वेश्चन में नोट लगा लीजिएगा, बाकी तीनों जो कि ऊपर के दिए गए हैं यह बिल्कुल सही तरह से मेल यहाँ पर खाते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा इनसे रिलेटेड नहीं है यह बताना है। अगर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह अंडमान निकोबार में है, बिल्कुल सही है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बिल्कुल सही, यह भी अंडमान निकोबार में है। और अगर मैं मोबिलिंग नेशनल पार्क की बात करती हूँ तो बच्चों क्या आप लोग बताओगे कि मोबिलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसके बारे में ये चीज मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यह अंडमान निकोबार में नहीं है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर यह अंडमान निकोबार में नहीं है तो फिर यह कहाँ पर है? यह फिर कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आंसर जरा करो जल्दी से। चलो, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है यह आपका? अरुणाचल प्रदेश में है। सो सी का जो ऑप्शन है वह क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपका आंसर होगा सही। ठीक है, बाकी बांडूर मरीन नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह भी अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। यह सब भी जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है।
है ना, और सैडल पिक सबसे ऊंची चोटी है, और पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर क्या है भाई, इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है हमारा आगे कि घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चलो बताओ क्वेश्चन आगे आंसर करेंगे, घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल सही, घाटी गांव वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो कहां पर है भाई, मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, है ना, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, काफी नेशनल पार्क है जैसे कि कान्हा, है ना, कान्हा नेशनल पार्क है ना, उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, उसके बाद हम बात करते हैं तो पन्ना नेशनल पार्क है ना, उसके बाद पेंच नेशनल पार्क की बात करते हैं, पेंच नेशनल पार्क तो यह है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। उसके बाद मांडला फॉसिल नेशनल पार्क है, मांडला या फिर जिसे कि जीवाश्म नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जीवाश्म नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। तो ये सभी चीजें जो हैं आप लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है हमारा आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है, सुंदर वन है, पिचवारम है, या भीतर कणिका है ना, या फिर मलायन प्रायद्वीपीय मैग्रोव्स है, मैग्रोव वन जिनकी की जड़ें जो है बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, नहीं बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। यह ज्यादातर हमें दलदलिए वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं जो कि ऊपर से छतरी नुमा ढके हुए होते हैं। तो सुंदरवन की हम लोग बात करते हैं, बताइए जरा, सुंदरवन है ना न्यूज में रहता ही है, लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है, जिसमें से लगभग 4,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है यह हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, और यह आंसर क्या होगा, सुंदरवन। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, सुंदरवन यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए दो आज की क्लास को थोड़ा सा छोटा रखते हैं, छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए क्लास की रिकॉर्डिंग की हुई है, तो ये अभी तक आप लोगों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो आप लोगों का स्लॉट खाली ना जाए, कभी ऐसा ना हो कि आप लोग ना पढ़ो, तो उसके लिए सोचा गया है कि आप लोग एटलीस्ट कुछ तो पढ़ो ही, तो छोटी क्लास रखी गई है, बट अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डेली पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई डेली रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए आपने कि हमें डेली पढ़ना है, चाहे आप मिनिमम एक घंटा पढ़ें कम से कम, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। चले तो इसीलिए बस आप लोग के लिए इतनी मेहनत की गई है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर लाइव क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से मिलते हैं फिर कभी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।